भी लोगों की कदर नहीं होगी। दोनों का जिंदा रहना ज़रूरी है, दोनों का हमारी सियासत में रहना ज़रूरी है, इसलिए दोनों की ज़िंदगी हमें प्यारी है। और सियासी मकासद अपने अपने होते हैं लोगों के। और कारकुनों को आप कारकुन मुझे बताएं, वो लोग जो पथराव कर रहे थे, वो लोग जो लाठियों और डंडे लेके वहाँ खड़े थे, जिनके पास आईनी राड थे, वो लोग मुझे बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, आप बी डी मेम्बर हैं। इन पार्टियों ने, इन जमातों ने आपको न बी डी मेम्बर बनने दिया, न डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बनने दिया, इसलिए कि इन्होंने आपका रास्ता रोका हुआ है। सारी दुनिया मेंबर असेंबली नहीं बनेगी, एक बनेगा। और आप कारकुन देखें कि आपका रास्ता आपकी जमात ने रोक रखा है कि आप डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी न बने, ज़िले के चेयरमैन भी न बने। अगर बलदियाती इलेक्शन हो जाते तो कई जो मर्कजी लीडर इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हो, मर्कजी लीडर बने हुए, ये बी डी मेम्बर हार जाते। नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, सारे बी डी मेम्बर हार जाते। कम अज़ कम ये जान मर्कजी कई लीडरों से जान छूट जाती। लेकिन आपका रास्ता पीटीआई ने रोका है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रोक रखा है, पीपल्स पार्टी ने रोक रखा है, और मुस्लिम लीग नून ने रोक रखा है। आप कारकुन ये क्यों नहीं करते हैं कि आप इन जमातों से पूछें कि हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं कि हम भी लोगों की खिदमत कर सकें? आप लोगों को ये भी पूछना चाहिए, इन पार्टियों की वजह से न करें कि आप लोग लड़ाई लड़ें। आज़ाद कश्मीर में हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के जो मर्कज़ी कायदीन इस वक्त वज़रा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। उनको किसी को हमदर्दी नहीं है। बेटा हमारा मरा है, भाई हमारा मरा है, फंसने वाला भी हमारा है, ठीक, इस मुकदमे में जो फंसा है वो भी हमारा है, और मरने वाले जो हैं वो हमारे लोग हैं। मेरे क्योंकि रिश्तेदारी है किला में, इस बुनियाद पे वो मेरा रिश्तेदार है। कहीं किसी से मालूम बात कर लेना कि वो मरने वाला भी मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। हाँ, जब ये बयानबाजी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब आपको जेब नहीं देती, आपके प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक मुकदमा पहले हो चुका है, और मरने वाले और मारने वाले हमारे लोग हैं, हमारे हल्का बलोच के। मत करें आप इस पर सियासत, हम हमारे लोगों को जज्बाती करके ना करें, और लोग भी जज्बाती ना हो, इसलिए कि ये इन लोगों के अपने मफादात हैं। ये गाड़ियाँ आज सरदार फारूक मंतायर साहब के पास है, कल फहीम साहब के पास जा सकती है, आपके हाथ में क्या आएगा? मेरा तजर्बा है कि सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी साहब, ये जो फैमिली है फहीम साहब की, इक्तदार मैंने इनके पास भी देखा है, इक्तदार मैंने मजाड़ी वालों के पास भी देखा है। शाम तक ये दोनों जमातों के होते हैं और सुबह ये अपने अपने घरों के नुमाइंदे बन जाते हैं। अगले दिन इन दोनों के हाथ मिलाने का अंदाज़ देखा करें कि इन दोनों के इलेक्शन जीतने के बाद इन दोनों के हाथ मिलाने का अंदाज़ क्या है, ये देखा करें। मत लड़ें किसी के लिए, ये किसी के नहीं होते। जब भी कोई बोलता है वो इलेक्शन के तक ये लोगों को जमातों का बनाते हैं, इलेक्शन के बाद जब दूसरे दिन ये होते हैं तो ये अपने अपनी फैमिली के लोगों के नुमाइंदे हो जाते हैं। इनकी गाड़ियाँ इनकी फैमिली के ज़रिए इस्तेमाल होती है, नहीं होती हैं आपके और मेरे काम नहीं आती है। मैं आज भी सरकार फारूक मंतायर साहब को वोट दूँगा, आज देने का प्रोग्राम है, पहले भी दिया। रबौनी साहब को मैंने वोट दिए, रबौनी साहब की जीत के लिए हमने कोशिश की, लेकिन हमारी दुश्मनी दूसरे किसी के साथ नहीं है। तो जब सरदार फारूक मंतायर साहब को हम वोट देते हैं, भाई रबौनी साहब के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एक और मैं गुजारिश करता चलूँ फहीम रब्बानी साहब आपसे कहता हूँ, ये जो आपका जलसा होता है ना, उस जलसे में फहीम रब्बानी साहब साफियों को बैठने के लिए आपके यहाँ कुर्सी नहीं दी जाती। और हमने जो काम है साफ़ी जो जिम्मेदारियाँ हैं कहीं पहाड़ी पे बैठ के वो अदा की हैं, और आपकी खबरें, हमने चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का आखिरी जलसा हुआ, मैंने रोज़नामा उसाब में सुपर लीड गाई थी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के जलसे में, और इसके गवाह आपके अजीज़ों में से कई लोग हैं। सरदार फारूक मंतायर साहब का जब जलसा होता है और आपका जलसा होता है, तो आपके जलसे में साफियों को बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं देता है ताकि साफ़ी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर सकें। वोट तो किसी न किसी को देना है, वोट तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी देते हैं, किसी न किसी पार्टी को देते हैं, वो पार्टी के एक मलकियत तो नहीं हो गए कि लोग उनको मुखालफ तसव्वुर करके बैठ जाएं। आपका जो प्रोग्रामात होते हैं उनमें साफियों के कम अज़ कम इतना शोर लोगों में पैदा करें, दोनों पार्टियां लोग शोर पैदा करें कि साफियों का कम अज़ कम, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, पथराव होता है, पुलिस होती है, इस सारे में कम अज़ कम दोनों तरफ से साफियों को तफ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन आपके जलसे में आपके लोग भी साफियों पर हमला कर रहे थे वहाँ लोअर किला में, और दूसरी तरफ से जो अमजद फारूक है हमारे साथी, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पुलिस हम पे हमला कर रही है। इंतजामिया से भी हम कहेंगे कि इंतजामिया कम अज़ कम पढ़े लिखे लोग आ गए हैं पुलिस में, ये देखना चाहिए
के कम से कम साफियों की कदर किया करें, प्रोग्रामात में उनको तफ़ देंगे तो आपको कवरेज मिलेगी, वरना साफियों को क्या ज़रूरत है कि अपनी जान खतरे में डाल के जो है आपके लिए काम करेंगे। मैं यहाँ जानबदारी कहीं से निकलेगी, कोई मुझ पर तनकीद करेगा, लेकिन आप ये सोच लेना कि फारूक साहब और फहीम साहब एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, आप कारकुन भी एक दूसरे के दुश्मन ना रहे। दो आदमी बैठ के चाय पिए, चाय पीने के बाद एक जाके फारूक ताहिर साहब को वोट दे दे, दूसरा जाके फहीम रब्बानी साहब को वोट दे दे, और ये वो शऊर की बात है। और कारकुनों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कारकुन कम अज़ कम एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल जाए। मेरी कोशिश होगी कि दौरान इलेक्शन आपको बलोच के तमाम मामला से आगाह करता रहूँ, और फिर मैं आखिर पर तजवीज़ करता हूँ। मेरा फहीम साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो मैंने सुना, जो फारूक साहब ने इंटरव्यू दिया है वो मैंने सुना। मेरा दोनों के मौक़ों से इख्तलाफ या इत्तफाक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय देता हूँ कि खुद एक दूसरे के दुश्मन मत बने। हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, तल्लुक हैं, एक दूसरे के साथ मामलात हैं, हमें दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए कि एक इतना सारा पत्थर उठा के, पिस्तौल उठा के एक दूसरे को सरिया उठा के मारें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह इलेक्शन के दौरान आपको बलोच के तमाम मामलात से आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।